ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पर लायला एम नाम की फिल्म देखी, जो नेदरलैंड्स की फिल्म है, डच फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर है माइक डेजोंग, और वही इस फिल्म के को राइटर भी है। उनके साथ में जैन एलाइंडर ने इस फिल्म की कहानी को उनके साथ लिखा है। तो यूरोपियन युवाओं के बीच में कैसे अभी कट्टरपंथी मानसिकता बढ़ रही है, आतंकवादियों के कारण कैसे आतंकवादी कैसे यूरोपियन युवाओं को रेडिकलाइज कर रहे हैं, इस विषय को उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, साथ में ही 19th एकेडमी अवार्ड्स में, ऑस्कर में भी इसे नेदरलैंड्स की तरफ से भेजा गया था, इस डच फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में, हालांकि वहाँ पर उसे नॉमिनेट नहीं किया गया। ऑब्वियसली स्वाभाविक सी बात है, ऐसे फिल्म को वहाँ पर नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। रॉटन टोमेटोज पर इस फिल्म को 100% की रेटिंग मिली हुई है, हालांकि आईएमडीबी पर अगर आप इसे देखेंगे तो 10 में से केवल 6.5 स्टार्स आईएमडीबी पर इसे वहाँ मिले हैं। शायद कुछ लोगों को फिल्म में दिखाई गई सच्चाई पसंद नहीं आई होगी, इसलिए वहाँ जाकर उन्होंने इसे निगेटिव रिव्यूज़ दिए होंगे, पता नहीं। फिल्म की कहानी की बात करें तो देखिए, अभी करीब 1 वर्ष पहले या उससे भी कम समय पहले मैंने कैलिफेट नाम की वेब सीरीज़ का रिव्यू किया था, वो भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, और वो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है। कम से कम आप उन्हें वो वेब सीरीज़ नहीं देखी तो मेरा रिव्यू कैलिफेट का आप ज़रूर देखना। तो कैलिफेट की और लायला एम की कहानी में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक सेम विषय पर आधारित है। कैलिफेट में दिखाया गया था कि जो आईएसआईएस है वो कैसे मुस्लिम युवक और युवतियों को ब्रेन वॉश करता है, पूरे विश्व में इस्लामिक स्टेट स्थापन करने के सपने दिखाता है, और जिहाद के लिए उनको कैसे वो प्रोत्साहित करता है, ये कैलिफेट में दिखाया गया था। और लायला एम की भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है, हालांकि ये केवल यूरोपियन कंट्रीज़ की ही नहीं तो भारत में भी ये समस्या हम देख रहे हैं। पिछले वर्ष ही यूएन का रिपोर्ट आया था कि मैं आपको न्यूज़ ही पढ़ के सुनाता हूँ, सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ आईएसआईएस टेररिस्ट्स इन केरला एंड कर्नाटका। और ये केवल यूएन की रिपोर्ट नहीं, केरला पुलिस ने खुद ये बात कुछ समय पहले कही थी कि कई सारे युवा केरला से आईएसआईएस को ज्वाइन करने के लिए गए हुए हैं, युवक और युवतियाँ। अफगानिस्तान में जो गुरुद्वारा में काबुल में हमला हुआ था, जिसमें 25 के करीब सिख भाई वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसमें भी एक केरला से ही गया हुआ आतंकवादी उस हमले में शामिल था, हमने ये न्यूज़ पढ़ी थी। तो इसी विषय पर कैसे युवाओं को ये आतंकवादी ब्रेन वॉश करते हैं, इसी विषय पर लायला एम, ये फिल्म लायला एम की कहानी आधारित है। तो स्पेसिफिक इस फिल्म की कहानी की हम बात करते हैं, लायला एक मोरक्कन बैकग्राउंड की मुस्लिम युवती है जो नेदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में पली बड़ी है, पर उसे ऐसा लगता है कि नेदरलैंड्स में मुस्लिम्स के साथ में अन्याय हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर शरिया लॉ के अनुसार नहीं जी पाती है। हालांकि लायला का जो परिवार है, खासतौर पर उसके जो पिता है, वो डच कल्चर के साथ में पूरी तरीके से घुल मिल गए हैं, उन्हें वहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, शांति से वो वहाँ पर अपना जीवन जी रहे हैं। पर लायला इससे खुश नहीं है, वो नेदरलैंड्स में शरिया लॉ के अनुसार जीना चाहती है। इसके बाद में इंटरनेट पर कुछ कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों के साथ में, कुछ आतंकवादियों के साथ में वो जुड़ती है, वहाँ पर कुछ उनके भड़काऊ ऐसे वीडियोस वगैरह वो देखती है, और उसकी कट्टरपंथी मानसिकता लायला की और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में ही नेदरलैंड्स में बुर्का को बैन कर दिया जाता है, और फिर वो उन जिनके साथ वो इंटरनेट पर जुड़ी थी, जिन आतंकवादियों के साथ में, कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों के साथ में, उनके साथ वो प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती है, बुर्का पहनकर वहाँ पर वो प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के इस नियम के खिलाफ, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन सब प्रोटेस्ट करने वालों को, हालांकि उन्हें समझा कर छोड़ दिया जाता है लायला को। पर लायला फिर भी खुश नहीं है, वो कैसे भी करके वो चाहती है कि यहाँ नेदरलैंड्स में वो शरिया लॉ के अनुसार जिए। उसके पिता के साथ में उसका झगड़ा हो जाता है, फिर वो पिता का विरोध करने के लिए, पिता को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर खाते समय भी बुर्का वगैरह पहनकर बैठती है, उसके अंदर से ही वो खाती है, जितना हो सके वो अपने पिता को चिढ़ाने की कोशिश करती है। पिता उससे बार बार कहते हैं कि भाई तुम शांति से पढ़ाई लिखाई करो, अपना शांति से सुखी सम्मानित तुम यहाँ पर जीवन जियो, पर लायला ऐसा नहीं चाहती है। इसके बाद वो जिसे एक कट्टरपंथी मानसिकता के युवा के साथ में वो बात करती थी इंटरनेट के माध्यम से, उसका नाम है अब्दिल, उसके साथ में वो शादी करती है और अपने घर से वो भाग जाती है। इसके बाद वो जाते हैं एक जिहादी ट्रेनिंग कैंप में बेल्जियम में, वहाँ से जैसे तैसे करके वो पुलिस से भागते हैं, और वहाँ से भाग कर वो आते हैं जॉर्डन में। अब जॉर्डन में जाने के बाद में वो जब वहाँ की भयानक सच्चाई देखती है, तब उसकी आंखें खुलती है।
वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है, महिलाओं पर वहाँ पर बहुत अत्याचार होते हैं, लोगों के गले काटे जा रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, ये सब वहाँ की जब भयानक सच्चाई दिखती है तब उसकी आंखें खुलती है और वो सोचती है कि अब मुझे नैदरलैंड्स जाना है। ऐसे में ही उसका जो पति है अब्देल, वो सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए चला जाता है और लैला फिर जैसे तैसे करके वहाँ से भाग कर वो नैदरलैंड्स वापस आती है। यहाँ वापस आने के बाद में फिल्म के एंडिंग में बस ये दिखाया गया है कि ऐसी कई सारी युवतियाँ हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की जो ऐसे ISIS को ज्वाइन करने के लिए गई थी पर अभी वहाँ से वापस आ गई है। अब उनके साथ क्या करना है ये अभी भी वहाँ की सरकार तय नहीं कर पाई है। ऐसी एंडिंग के साथ में फिल्म हमें छोड़ देती है। अब देखिए लैला एम एक एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म है, टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर कैलिफेट को मैं इससे ज़्यादा बेटर कहूँगा क्योंकि कैलिफेट में इससे कई ज़्यादा बढ़िया तरीके से इस विषय को हमारे सामने रखा गया है। तो अगर आपको इस विषय पर कोई फिल्म या सीरीज़ देखनी ही है तो मैं कैलिफेट को ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा आपको। हालांकि ये फिल्म भी बढ़िया है, इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल आप इस फिल्म को भी देख सकते हैं। केवल 1 घंटे और 38 मिनट की ही ये फिल्म है। हालांकि इंग्लिश में ये फिल्म अवेलेबल नहीं है, डच भाषा में ही नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म अवेलेबल है, इंग्लिश में इसे डब नहीं किया गया पर इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल है। तो अगर आप इसे नेटफ्लिक्स पर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। मैं LLM को दूंगा 8 out of 10 stars। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में एक सेक्स सीन था जिसमें कोई न्यूडिटी नहीं है, फिल्म में थोड़ा बहुत वायलेंस है, तो अगर आप देखना चाहें परिवार के साथ में तो देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम, वंदे मातरम।